नवानपुर डिजी लाइसेंस में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा, आज कक्षा 9 नवनीत हिंदी विशिष्ट के प्रकृति चित्रण पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से, तो चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। उत्तर आया है चंद्रमा की किरणें जल और थल में तथा पृथ्वी से लेकर अंबर तक फैली हुई हैं। हमने इस उत्तर के संबंध में पाठ में भी पढ़ा था, तो ये इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार बनता है। अगला प्रश्न है, धरती अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट कर रही है। तो इसका उत्तर है, धरती अपनी प्रसन्नता हरी घास के झोंकों से तथा मंद पवन से फूलने वाली तरुओं के द्वारा प्रकट कर रही है। अर्थात कवि का कहने का यह है, पृथ्वी अपनी जो प्रसन्नता प्रकृति चित्रण में प्रकट कर रही है वह हरे घास की नोकों से कर रही है और मंद पवन के झोंकों द्वारा फूलों की खुशबू आती है उसके माध्यम से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। तीसरा प्रश्न है, पैसा बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ था। तो हमने ये पढ़ा था कवि ने बचपन में पैसे बोए थे अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण। तो पैसा बोने के पीछे कवि का यह स्वार्थ था कि उससे सुंदर सुंदर पेड़ उगेंगे और फिर पेड़ बड़े होकर फलदार रुपयों की फसल उगाएंगे, अर्थात सिक्कों की तरह वह खनकेंगे और उन पैसों के द्वारा मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। ये कवि का बचपन में इस प्रकार सोचना था। तो इसमें कवि ने यह बताया है कि एक स्वयं का सेठ बनने का या मालदार होने का या पैसे वाले होने का स्वार्थ सिद्ध था, और इसलिए कवि ने यह बताया है पैसा जमीन में बोने से उनका सोचना था कि बहुत सारे फलदार मल फल वाले वृक्ष सिक्कों के वृक्ष निकलेंगे और वह बड़ा सेठ बन जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, कवि ने धरती में क्या बोया। तो कवि ने धरती में दो बार बोया था बचपन में, एक बार पैसे बोए थे क्योंकि पैसे नहीं उगले थे, मतलब जमीन ने अब पैसे नहीं का पेड़ नहीं उगला था तो कवि निराश हो गए थे और धरती माँ के प्रति कवि की धारणा थोड़ी गलत बन गई थी, बांझ या बंध्या कहा था। बाद में कवि ने धरती में सेम के बीज बोए थे, तो सेम के बीज जब बोए थे तो बहुत सारे फलियां वाली बेलें लगी थी, फलियां फूल रही थी, इस प्रकार इसका ये उत्तर बनता है। अब प्रश्न पांचवा है, कवि एक दिन अचरज में क्यों भर गए थे। तो ये हमने पढ़ा था, कवि ने जब सेम के बीज बोए थे तो आंगन में उनके देखा, कवि ने देखा कि एक दिन उनके घर के आंगन में जहाँ कवि ने सेम के बीज बोए थे उनमें छोटे छोटे से पौधे उगाए हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ था। जब उन्होंने देखा कि पहले पैसे के पेड़ नहीं उगे और फिर बाद में मान लीजिए ऐसे सेम के बीज डाल दिए आंगन में और बहुत सारे पेड़ उगाए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए यहाँ बताया है उन्हें देखकर कवि को बड़ा अचरज हुआ था। अब हम देखते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की थोड़ी सीमा बढ़ जाती है और ये 30 से 40 शब्दों में रहते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है, कवि ने ओस की बूंदों को लेकर क्या कल्पना की है। पंचवटी पाठ में ये आया है और ओस की बूंदों का वर्णन यह है। तो ये कविता के आधार पर बताना है, यहाँ दिया है कवि ने ओस की बूंदों को लेकर यह कल्पना की है कि जब सारे संसार के प्राणी रात में सो जाते हैं तब इस पृथ्वी पर चंद्रमा ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। अर्थात ये पृथ्वी के ऊपर जो ओस होती है उसको कवि ने क्या बताया, मोती बताया। प्रातःकाल होने पर सूर्य अपनी किरणों रूपी झाड़ू से
उन सभी मोतियों को बटोर लेता है, बटोरना मतलब समेट लेता है। अतः जब सुबह होती है तो सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वही मोती, ओस रूपी मोती, कवि कहते हैं कि सूर्य सुबह उनको सबको समेट लेता है। इस प्रकार ये पंचवटी कविता के आधार पर ये ओस की बूंदों के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, इसमें बताया है प्रकृति को नटी क्यों कहा गया है। तो यहाँ यह है प्रकृति को नटी, कवि ने प्रकृति को नटी इसलिए कहा है कि जिस प्रकार नटी अर्थात कोई नर्तकी, नर्तकी मतलब नायिका नाचने वाली, अपने हाव भाव एवं आंगिक चेष्टाओं द्वारा, अपने शरीर के अंगों की चेष्टाओं के द्वारा है ना, अपने भाव को प्रकट करती है या व्यक्त करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने क्रियाकलापों द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है जैसे एक नर्तकी नाचते समय शरीर के हाव भाव द्वारा, शरीर के अंगों के भाव के द्वारा और वह बताती है और अपना हाव भाव को व्यक्त करती है, वैसे ही प्रकृति भी अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। तो कवि ने यहाँ प्रकृति को नटी कहा है, नटी किसे प्रकृति का संबंध जोड़ा है। प्रश्न अगला है गोदावरी नदी के तट का मोहक वर्णन कीजिए। हमने इस पाठ में पढ़ा था गोदावरी नदी पंचवटी प्रदेश की, तो उसके तट का बड़ा मनमोहक वर्णन किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि गोदावरी नदी का यह तट अब भी ताल दे रहा है, अर्थात किनारा तालियां बजाता हुआ सुनाई दे रहा है, और उसका चंचल जल, जल को भी चंचल इसलिए कहा, जल स्थिर नहीं रहता, बहता रहता है, तो चंचल जल कलकल की ध्वनि में अपनी तान छेड़ रहा है। लिखा था चंचल जल कलकल कर मानो तान से दे रहा है अब भी। तो गोदावरी का नदी का किनारा तालियां बजा रहा है, कभी का सोचना ऐसा है, और जल हो जो है चंचल है और वह क्या कर रहा है, मस्त हो गया है उस प्रदेश के साथ, तो अपनी तान छेड़ रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न है कवि ने किरणों के सौंदर्य वर्णन में कौन सी युक्ति अपनाई है। तो यहाँ देखिए ये सौंदर्य वर्णन में जो युक्ति अपनाई है वह है, कवि ने किरणों के सौंदर्य वर्णन में यह युक्ति अपनाई है कि जैसे प्रकृति सरल और तरल ओस की बूंदों के द्वारा हर्षित होती है, यानी कि सारा संसार प्रसन्न होता है, तथा विषम समय आने पर वह भी मानव के समान ही रोती है। कवि ने ये प्रकृति को जोड़ा है, यहाँ पर बताया है कि सौंदर्य में जो युक्ति है वह उन्होंने बताई है कि सरल तरल ओस रूपी बूंदों के द्वारा हमारे साथ प्रसन्न होती है, और यदि हमें कोई दुख होता है तो वह हमारे साथ आंसू बहाकर रोती है। अतः कवि ने हमारी और प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध जोड़ा है। इसमें ये जो युक्ति अपनाई है मानवीकरण की युक्ति है, मानव से जोड़ा गया है। अब हम आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न है सुंदर लगते थे मानव के हंसमुख मन से, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ देखिए ये आह धरती कितना देती है पाठ से संबंधित है। सेम की श्याम वर्णी बेलों में सफ़ेद पुष्पों के गुच्छ, श्याम रंगी जो बेलें थीं और उनमें सफ़ेद फूलों के जो गुच्छे निकले थे सेम की बेल से, तो मनुष्य की उन्मुक्त हंसी के समान लग रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ऐसे मुस्कुराते हुए वह गुच्छ दिखाई दे रहे हैं। कवि ने सफ़ेद पुष्पों की तुलना मनुष्य के हंसते हुए मुख से की है, ये बताया है। सेम के जो फूलों के सफ़ेद गुच्छे निकल रहे हैं उन्होंने बताया है जैसे मनुष्य हंस रहा हो, हंसमुख चेहरा हो, है ना, जैसे ही उनकी जो सेम के फूल के गुच्छे हैं उन्हें मनुष्य के हंसते हुए चेहरे से जोड़ा गया है, ये इसका अभिप्राय था। अब हम आगे चलते हैं तो प्रश्न छठवा देखें कवि की धरती माता के प्रति क्या धारणा बनी। अब हमने पढ़ा था कवि ने जो पहले पैसे बोए थे
फिर सेम के बीज बोए थे, दोनों बार अलग अलग धारणा बनी थी। कवि धरती माता को उपकार करने वाली, सबका हित करने वाली और बिना किसी लोभ के उनका पालन पोषण करने वाली मानते हैं। कवि का ये सोचना है कि जो है ना धरती माता सबका उपकार करती है, सबका पालन पोषण करती है और बिना लोभ लालच के वह हमारा कार्य करती है। साथ ही कवि की मानता है कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जितना श्रम करता है, अर्थात प्रकृति से साथ जितना प्रेम जोड़ता है, धरती माता उसे उतना ही अच्छा फल देती है। यहाँ कहने का भाव ये है कि हम प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। यदि हम प्रकृति को सहेजना चाहेंगे, पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, है ना, नदियों को स्वच्छ रखेंगे, तो वह हमारे लिए बड़ी फलदायी होगी और हमें हमारा जीवन आसानी से निकलेगा। तो ये उन्होंने धरती माता की प्रतिधारणा बनाई थी। अब हम देखते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं ये 70 से 75 से 80 शब्दों तक जाते हैं, इनके उत्तर ये बड़े होते हैं। तो अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है, पंचवटी में प्रकृति के उपादानों की शोभा का वर्णन कीजिए। ये पंचवटी पाठ से है। तो पंचवटी में कवि ने प्रकृति के उपादानों के रूप में सूर्य, चंद्रमा, हरी घास, पेड़, गोदावरी नदी की कल कल करती हुई जल की तरंगों आदि को प्रस्तुत किया है। अर्थात कवि ने इसमें इन सब प्राकृतिक उनको जोड़ा है, सूर्य, चंद्रमा, घास, पानी, जल, मतलब ये नदी सबको जोड़ा है। और रात में चंद्रमा अपनी शीतल ओस की बूंदों से पृथ्वी को आनंदित करता है, तो प्रातःकाल सूर्य उन्हीं बूंदों को साफ कर देता है। पंचवटी में हरी हरी घास उगी हुई है, घास की कोमल नोकें पृथ्वी के रोमांच को व्यक्त कर देती हैं। अर्थात जो पृथ्वी के ऊपर घास की जो कोमल नोकें हैं उनसे बड़ा ऐसा लग रहा है पृथ्वी खुश हो रही है। संध्या का समय जगत के सभी प्राणियों को विश्राम देने वाला बताया है। शाम होती है तो कभी कहते हैं सब जब सो जाते हैं तो प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। गोदावरी नदी के जल की कल कल करती हुई तरंगें मानव मन की खुशी को भी व्यक्त करने वाली बताई है। तो पंचवटी प्रदेश में जो गोदावरी नदी है उसके जल की जो आवाज़ है, कल कल की तरंगें हैं, वह सभी को प्रसन्न कर देती है। तो ये इस प्रकार हमारे पंचवटी पाठ प्रकृति चित्रण अहा धरती कितना देती है, इस पाठ का अभ्यास कार्य हुआ और आशा है आप लोगों को ये अभ्यास कार्य पूर्णतः समझ में आया होगा। और ये अपनी कापियों में आप लोग नोट करें प्रश्नों के उत्तर, और अगले लेसन के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को सभी को नमस्कार।